इंदौर में संस्था दामिनी द्वारा महिलाओं के उत्थान को लेकर परिसंवाद राजस्व कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 50 से अधिक महिला संबंधित सामाजिक संगठन संचालित करने वाली महिलाओं ने शिरकत कर परिसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में एक भाजपा नेता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मामले दर्ज कर प्रदेश में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार और आपराधिक घटनाओं को लेकर जहां एक और कई सामाजिक संगठन कार्य कर रहे हैं, तो वहीं इंदौर में संस्था दामिनी द्वारा परिसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 75वें स्वराज के तहत किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश में महिला उत्थान के लिए कार्य करने वाली सामाजिक संगठन की 50 से अधिक महिलाओं ने शिरकत की और चर्चा की कि महिलाओं को आगे कैसे बढ़ाया जा सके। बैठक को लेकर सामाजिक सेविका ने बताया कि सामाजिक संगठन की तमाम महिलाओं को बुलाया गया है जो सीधे महिला उत्थान से जुड़ी रहती हैं और कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम करती है। इस परिसंवाद में महिलाओं से जुड़े तमाम मुद्दों को शामिल किया गया है ताकि समाज से निम्न वर्ग की महिलाओं को जोड़कर उन्हें आगे बढ़ाया जा सके। महिला इनिशिएटिव फॉर नेशनल इंटीग्रिटी अर्थात दामिनी महिला की नगरी में बहनों के बीच में काम करने वाली बहुत सारी मातृशक्ति है जो अलग अलग संगठनों के माध्यम से, अलग अलग संस्थानों के माध्यम से और समाज के माध्यम से काम करती है। अभी विगत दिनों में सब बहनों को ध्यान में आया कि क्यों ना हम सामूहिक रूप में बहनों के लिए कुछ करें, स्त्री सम्मान, स्त्री स्वावलंबन और स्त्री सुरक्षा, इन विषयों को लेकर के कुछ किया जाना चाहिए। ऐसा ध्यान में आया और शहर की सभी प्रबुद्ध बहनों का एक मंच जैसा दामिनी जो है उस रूप में निकल करके आया और नवरात्रि से अच्छा कोई अवसर नहीं हो सकता था इसकी शुरुआत करने का। तो आज स्वराज और मैं इस विषय को लेकर के यहाँ जो है हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है जिसमें विभिन्न वक्ताओं को हम सुनने वाले हैं और किस प्रकार से भविष्य में ऐसी बहनें जिनको हमारी आवश्यकता है हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, सामाजिक उत्थान के लिए क्या कर सकते हैं, बहनों की सुरक्षा के लिए किन विषयों को ध्यान में ला कर के काम कर सकते हैं, इसके अलावा किस प्रकार से एक अध्ययन जैसा ग्रुप जो है वो खड़ा हो समाज में बहनों की जो स्थिति है वो और बेहतर हो उसके लिए काम करने के लिए, तो दामिनी हमेशा खड़ी है। किस तरह का महिलाओं का